नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइफ चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, हमने जो राशिफल की सीरीज 2020 में कैसा होगा आपका भविष्य इस पर शुरू की है, तो उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण राशियों के बारे में, सिंह राशि और कन्या राशि। राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि और छठवीं राशि कन्या राशि, ये दोनों राशियों की आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के पहले आप सभी से अनुरोध कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें जो लोग सिंह राशि और कन्या राशि के हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंह राशि से। सिंह राशि, जैसा हम जानते हैं कि इसका स्वामी, इसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं, और इसका जो चिन्ह है वो भी सिंह है जो कि जंगल का राजा है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो भी अपने आप में एक राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, लेकिन क्रोधी भी होते हैं। उनका बड़ा भयंकर क्रोध होता है, उनको प्रेम से ही अपने वश में किया जा सकता है, उसके अलावा दबाव से वो कभी भी आपके वश में नहीं आएंगे, अपनी स्वेच्छा से कार्य करने वाले होते हैं। और इस राशि के जातकों में एक तरह का आकर्षण होता है, और आकर्षक ये इस राशि के जातक होते हैं। इनकी ठोड़ी का क्षेत्र थोड़ा सा लंबा हैवी होता है बाकी जो चेहरे के भागों से। और इस राशि के जो जातक हैं, दांतों की उनको समस्या पाई जाती है, दांतों के मामले में और नेत्रों के मामले में वो कष्टप्रद उनका जीवन थोड़ा होता है। लेकिन इस राशि के जो जातक होते हैं उनमें नेतृत्व क्षमता बड़ी ही विशिष्ट होती है, ज़बरदस्त होती है, और जिस भी क्षेत्र में जीवन के ये होते हैं नेतृत्व करते पाए जाते हैं, अधिकतर ये रूल करते ही देखे जाते हैं, भले ही कितने ही छोटे सर्किल में हो, काफ़ी अपना ये महत्व बना सकने में समर्थ होते हैं, ये इस राशि की विशेषता है। ह्यूमन रिलेशनशिप के भी ये मास्टर होते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं, कैसे लोगों को अपने कंट्रोल में रखना है, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना है, ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों, ये जो राशि है बहुत ही विशिष्ट है, सिंह राशि। जैसा मैंने कहा, सूर्य जब सिंह राशि में होते हैं तो पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं, और उस दरमियान जब सूर्य सिंह राशि में होते हैं तो उस समय जो व्यक्ति जो जातक जन्म लेते हैं वो जीवन में बहुत सफल जगह पर पाए जाते हैं, क्योंकि उनका सूर्य स्वग्रही होता है, और सूर्य ही, जैसा हम जानते हैं, कि आत्मा का कारक है, राज सुख का कारक है, राज तत्व वाला ग्रह है। तो उस समय जिन व्यक्तियों का जन्म होता है अगस्त के महीने में, 15 अगस्त के बाद और एक महीने के दरमियान, तो वो जो जातक होते हैं विशेष रूप से अधिकार वाली स्थितियों में, जगहों पे पाए जाते हैं। सूर्य उस समय पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं, और फसलों के सहारे, चारे के सहारे मनुष्यों को और जीव जंतुओं को सभी को आधार प्रदान करते हैं। तो ये सूर्य का महात्म्य है। सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं, कि जीवनदायी है, सृष्टि को चलाने वाले। दोस्तों, सिंह राशि भी इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नेतृत्व का गुण इनमें विशेष रूप से पाया जाता है। तो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें ये जातक अच्छे सफल देखे जाते हैं, तो उनके कार्यों के कार्य क्षेत्रों में, लेखन में, नेतृत्व में, बुद्धिजीविता के क्षेत्रों में ये विशेष रूप से अपना स्थान बनाते हैं। डॉक्टरी में, केमिस्ट, एज ए केमिस्ट ये बहुत अच्छा अपना स्थान बनाते हैं, एज ए प्रशासक, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये बहुत अच्छा अपना स्थान बना लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि नेतृत्व क्षमता इनमें अभूतपूर्व होती है, बहुत ही विशिष्ट होती है।
और इस वजह से जिस भी क्षेत्र में ये जाएं, भले वो क्लरिकल पोस्ट पे भी हों, लेकिन वो अपने दायरे में वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये इस राशि की विशेषता है। तो दोस्तों, ये थी इनके कार्य क्षेत्र की बात। जीवन के 22वें, 25वें, 27वें, 32वें, 40वें, 46वें और ये जो वर्ष हैं, ये इनके लिए विशेष उन्नतिदायक वर्ष माने जाते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इटली का क्षेत्र, फ्रांस का क्षेत्र, रोमानिया का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान और हिमाचल प्रदेश, भारत में मुंबई वाला जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र इस राशि के दायरे में आते हैं। तो जब कभी भी आपको देखना हो तो इन क्षेत्रों को आप देखें, इस राशि से संबंधित जब गणना करना हो। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे सिंह राशि के बारे में जनरल चर्चा की। अब आइए देखते हैं कि ग्रहों का क्या विन्यास वर्ष 2020 में इस राशि के सापेक्ष होने वाला है। तो सबसे पहले शनि की स्थिति हम देखते हैं। ये कुंडली में आप देखिए, शनि जो है वो धनु राशि में अभी संचरण कर रहे हैं और ये मकर राशि में चले जाएंगे 20 जनवरी को। और जैसा कि हम जानते हैं, मकर राशि छठवें भाव में पड़ती है। बृहस्पति जो है वो पंचम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। बीच में 30 मार्च से 30 जून के दरमियान ये चले जाएंगे। अगली राशि मकर राशि छठवें भाव में, और 20 नवंबर तक जो है ये वापस आकर के फिर से धनु राशि में रहेंगे 30 जून के बाद 20 नवंबर तक, और 20 नवंबर से पुनः मकर राशि में जाएंगे। तो ये बृहस्पति का संचरण होगा। राहु केतु की स्थिति अभी इस राशि के सापेक्ष 11th हाउस में 11वें भाव में राहु है, पंचम में केतु है, जो कि सितंबर के बाद 10वें में राहु आ जाएंगे और चौथे में केतु आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये विशेष स्थितियां थी बड़े ग्रहों की। मंगल की स्थिति का भी विवेचना करना चाहिए गोचर में। तो मंगल की स्थिति जो है विशेष रूप से 18 जून 2020 से लेकर के जनवरी 2021 इस दरमियान मंगल लगभग 6 माह के समय में मंगल का संचरण मीन राशि और मेष राशि में होगा। पहले वो मीन में रहेंगे 18 जून से लेकर के 16 अगस्त तक, उसके बाद फिर वो 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक मेष में जाएंगे, फिर वो वापस आकर के 4 अक्टूबर से लेकर के 24 दिसंबर तक 2020 में मीन राशि में रहेंगे, और 24 दिसंबर से जनवरी समाप्त होने तक या फरवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह तक वो मेष राशि में रहेंगे। तो ये स्थितियाँ मंगल की रहेंगी। तो दोस्तों, आइए अब हम एक एक करके ग्रहों के विन्यास और उनके फल की विवेचना करते हैं। सबसे पहले शनि देव जो कि छठवें भाव में रहेंगे, और जैसा हम जानते हैं कि शनि का छठवें भाव का फल बहुत ही अच्छा होता है, क्रूर ग्रहों का छठवें भाव में फल बहुत अच्छा होता है। तो ये जो समय है, ये नया व्यवसाय प्रारंभ करने और व्यापार में लाभ कमाने, रोगों से लड़ने, रोगों के निवारण, ऋण के निवारण के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। तो आने वाले वर्ष में आपको ऋण, रोग और शत्रु से निजात मिलेगी, साथ ही व्यवसाय कारोबार में आपके विशेष वृद्धि होगी और अधिकारों की भी आपकी प्राप्ति होगी। तो ये जो शनि देव हैं, जो कि पंचम भाव में आकर के, उन्होंने पिछले 2 वर्ष पहले जब पंचम भाव में आए थे, तो पंचम में शनि का प्रभाव विशेष अच्छा नहीं होता, खास करके आपकी राशि के लिए, चूंकि छठवें और सातवें भाव के स्वामी हैं, कोई विशेष शुभ नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में भी खराब बैठे होंगे, तो पंचम में शनि ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा, व्यापार व्यवसाय धन के मामले में, सम्मान के मामले में काफी कमी कर दी होगी। तो अब आप प्रसन्न हो जाइए, सिंह राशि के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए शनि का संचरण, जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं, स्लो मूविंग है,
माफ कीजिएगा, सबसे स्लो मूविंग है और जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये ग्रह जो है आपके लिए शुभ होने वाला है, तो आप खुश हो जाइए। इसके बाद बृहस्पति का जो संचरण है वो तो अति शुभ त्रिकोण स्थिति में है और वो भी स्वग्रही बृहस्पति हैं और आपके लिए त्रिकोणेश त्रिकोण में ही आ गए हैं, तो ये जो स्थिति है ये आपको बहुत अच्छा फल देगी। परीक्षा में सफलता, शेयर आदि में लाभ भी मिल सकता है आपको अगर आपकी कुंडली में उस तरह के योग हैं तो, और नौकरी की प्राप्ति कराएगा, कीर्ति में वृद्धि, संतान की प्राप्ति, ये सब शुभ फलादेश आपके होंगे। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, नीच के हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं और राहु वगैरह के साथ बैठे हैं, पाप मध्यत्व में है या सूर्य से कमबस्ट हैं, तो आपको उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा, तो शिक्षा में ये कमी भी कर सकते हैं, नौकरी में व्यवधान ला सकते हैं। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में और अगर अच्छी स्थिति में बृहस्पति आपकी कुंडली में है तो ये निश्चित रूप से काफ़ी आपको लाभ देंगे, विद्यार्थियों को विशेष लाभ देंगे, परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त होगी, जो संतान के इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी और बिजनेस वालों को भी लाभ की स्थिति बनाएंगे। तो दोस्तों बृहस्पति का गोचर भी अच्छा है। राहु केतु की जहाँ तक बात है तो राहु केतु अभी जहाँ जिस स्थिति में है वहाँ पर ये भ्रमण की स्थिति बनाए हुए हैं और व्यवसाय में विशेष सफलता नहीं दे रहे हैं, हानि की स्थिति दे रहे हैं, चुनाव में हार, जो राजनीति से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं उनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा होगा, संतान को भी कष्ट की स्थिति बनाते हैं ये और कार्यों में असफलता, हर तरह से कष्ट की स्थिति राहु केतु की वजह से यह भी बनी हुई थी। अब जो आने वाला समय है इस समय में 10वें भाव में जब राहु का संचरण होगा तो ये चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जीत दिलाएगा, सहानुभूतिवश आपको विजय प्राप्त होगी, उद्योगों में सफलता दिलाएगा, कामकाज में विशेष सफलता, स्थानांतरण वगैरह से लाभ, इच्छित स्थान में स्थानांतरण होगा, पद में वृद्धि हो सकती है अचानक आपको और बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सितंबर से जो कि गोचर बदलने वाला है, सितंबर 2020 के बाद राहु केतु का गोचर बहुत अच्छा है। मंगल के गोचर की अब बात करें तो मंगल का जो गोचर है ये मंगल की स्थिति जैसे जो मैंने डेट्स बताई थी उसमें जब मंगल मीन राशि में रहेंगे तो मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, अष्टम भाव में मंगल का संचरण आपको कष्ट, शारीरिक तकलीफ और रोग देगा, उससे आपको सावधान रहना होगा। विशेषकर 18 जून से लेकर के 16 अगस्त और 4 अक्टूबर से लेकर के 24 दिसंबर, तो काफ़ी लंबा समय मीन राशि में रहेंगे तो उस दरमियान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिला के दोस्तों मीन माफ कीजिएगा सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं ये जो अग्नि तत्व प्रधान राशि है, विशेष राशि है, इस राशि के जो हमारे जातक हैं उन जातकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शनि आपके लिए फेवरेबल हो गए हैं, तो कुल मिला के आपको लाभ ही लाभ की स्थिति बनाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में जो मैंने बोला सेकेंड हाफ जो है उस दरमियान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके अष्टम भाव में मंगल का संचरण स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ आपको दे सकता है, तो सेकेंड हाफ 18 जून के बाद आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके पूर्व शनि का गोचर और इसका बृहस्पति का गोचर सभी कुछ ठीक है, राहु केतु का गोचर भी सितंबर से आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मध्य तक ये समय आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, अदरवाइज बाकी पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो मैंने बातें बताई कि आपको व्यापार में लाभ, संतान की प्राप्ति, इस तरह की सब प्राप्तियों का समय ये रहेगा, व्यापार में विशेष लाभ होगा, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट है और थम्स अप है। तो सिंह राशि के लिए अगला वर्ष अच्छा जाने वाला है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 6वें नंबर की राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं वो ये है कि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए बहुत ही व्यावहारिक राशि है, हसमुख राशि है, लोगों के साथ मित्रता करना इस राशि को पसंद है,
ये राशि बड़ी ही बुद्धिमान राशि है, बुध इसके स्वामी है, तो ये बुद्धिमान राशि है और बुद्धि से अपने कार्यों को अंजाम ये देते हैं और मनोविनोद प्रिय ये राशि होती है। कन्या राशि के बारे में एक चीज विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि इस राशि वाले बड़े ही सतर्क होते हैं, खास करके ट्रैवल वगैरह में जब ये जाएं तो बहुत तरह की तैयारियां करके अपनी सारी चीज़ें करीने से रख करके ले जाते हैं और किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी तबीयत खराब हो तो उसमें किस अलग अलग तरह की दवाएं रखना, अलग अलग तरह की चीज़ें रखना, बहुत ही तैयारी से ये लोग कहीं भी जाते हैं। तो एक सतर्क राशि है और इस राशि का जो साइन है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक महिला नौका में सवार है, एक कन्या, और उसके एक हाथ में अग्नि है और एक हाथ में धान की बालियां हैं। तो ये जो राशि है ये राशि तैयारियों की राशि है और व्यवहारिक राशि है और बहुत ही बुद्धिमान राशि ये मानी जाती है। राशि चक्र की जितनी राशियां हैं उनमें बहुत ही बुद्धिमान ये राशि मानी जाती है और इस राशि के जो जातक हैं उनके कार्य क्षेत्रों में ये विशेष रूप से गणितज्ञ होते हैं, सलाहकार होते हैं और अध्यापक, टीचर, प्रोफेसर इस राशि के जातक पाए जाते हैं। साथ ही फाइनेंस के क्षेत्र में इस राशि वाले विशेष अपना दखल रखते हैं, तो फाइनेंस के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्यकार, नाटककार आदि भी ये जातक पाए जाते हैं। साथ ही कैशियर वगैरह, कैशियर का पद या इस तरह के जो भी कोषाध्यक्ष का पद, तो करीने से रखने वाले जो चीज़ें हैं उस तरह के क्षेत्रों में ये काफ़ी सफल पाए जाते हैं और वहाँ पर इनको लोग रखते हैं। व्यापारी भी ये पाए जाते हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी ये काफ़ी माहिर होते हैं और उसमें भी सफल होते हैं। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक भी इस राशि के जातक होते हैं, तो बड़े ही सिस्टमेटिक चलने वाली ये राशि है। अब आइए देखते हैं कि इस राशि के लिए कौन कौन से मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन कौन से क्षेत्र इस राशि में आते हैं। तो यूनान का क्षेत्र, तुर्की का क्षेत्र, ब्राज़ील का क्षेत्र और भारत, ये सभी कन्या राशि के दायरे में आते हैं। तो हमारे देश का भी जो भौगोलिक दृष्टिकोण से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कन्या राशि होती है, तो ये राशि, इस राशि का गोचर 2020 का हम सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा मित्रों। तो इस राशि के लिए आइए ग्रहों का विन्यास देखते हैं। तो इस राशि के लिए आप देख सकते हैं कि शनि जो है धनु राशि चौथे भाव से निकल के 24 जनवरी को पांचवे भाव में जाएंगे। बृहस्पति का गोचर चौथे भाव में हो रहा है धनु राशि में और राहु केतु जो है अभी दसवें और चौथे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल का गोचर, जैसे मैंने बताया कि मीन राशि और मेष राशि में 18 जून के बाद 6-7 महीने के लिए होता रहेगा, तो ये जो समय काल है इस दरमियान मीन राशि मेष राशि में होगा। तो मीन राशि इसमें सप्तम भाव में पड़ती है और मेष राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम विवेचना करते हैं कि किस तरह से ग्रहों के इस विन्यास का असर आप पर आएगा। सबसे पहले शनि की स्थिति हम देखते हैं। शनि यदि आपके लिए शुभ है, और शुभ का तात्पर्य है कि यदि आपके लिए कुंडली के हिसाब से शुभ भावों का स्वामी बनता है या आपकी कुंडली में जो मूल कुंडली है उसमें स्वग्रही है, अपने मित्र के घर में है या उच्च के हैं, 6-8-12 में भावों में नहीं बैठे हुए हैं, सूर्य के बहुत पास आकर के कम्बस्ट नहीं हो गए हैं या पाप मध्यत्व में नहीं है, इस तरह की स्थिति में यदि शनि नहीं है तो ये जो समय है ये कन्या संतति की प्राप्ति कराएगा। शिक्षा में आपको जो विद्यार्थी वर्ग है उनको परीक्षा में भी अच्छी सफलता दिलाएगा, कार्यों में सफलता, व्यापार में लाभ, अधिकार प्राप्ति, शेयर में लाभ, इस तरह के ये जो फलित फलादेश जो है इनके बनते हैं पंचम भाव में। तो शनि का जो गोचर है विदेश यात्रा भी आपको करा सकता है शनि अगर आपके लिए शुभ है। तो अगला जो वर्ष है
कई मायनों में जो पीछे का जो समय आपका 2 वर्ष का बीता है, जब चौथे शनि कंटक शनि की स्थिति थी, उससे अच्छी स्थिति में शनि अब आपके पास जाने वाले हैं। लेकिन पांचवा शनि जो है धन के मामलों में कष्ट देते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है मान लीजिए, तो धन के मामले में आपको बड़ी तकलीफ की स्थितियां आ सकती हैं। साथ ही राज्य जो आपके पास, अगर कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है तो वो भी छूट सकता है। तो शनि पंचम भाव में अगर आपकी अभी जो गोचर में जा रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपको पद आपका छीन सकते हैं और धन के मामले में बड़ा कष्ट देंगे। तो ये स्थितियां शनि की वजह से हैं। और इसके बाद बृहस्पति के गोचर पे हम जाएं, तो जो चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर है, और अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है आपकी मूल कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति कराएंगे, मित्रों से लाभ दिलाएंगे, व्यापार में भी विशेष लाभ दिलाएंगे। कृषि से संबंधित अगर आप व्यक्ति हैं, तो कृषि के मामले में भी आपको विशेष लाभ की स्थिति ये दिला सकते हैं। और जो भी ऐसे विषय हैं जिनकी स्थायित्व का जिनमें जरूरत है, तो स्थायित्व के मामले में ये परेशानी वगैरह भी आपको दे सकते हैं चौथे भाव में बृहस्पति की स्थिति होने की वजह से। तो अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति शुभ है तो कई मामलों में शुभ परिणाम देंगे, लेकिन अगर अशुभ है तो आपको विवाद की स्थितियां आपके घर परिवार में ला सकते हैं, माता को कष्ट दे सकते हैं, परिवार में फूट की स्थिति ला सकते हैं और उन्नति में बाधा ला सकते हैं। तो अगर बृहस्पति खराब है तो इन बातों का ध्यान रखिए। राहु की जो स्थिति है वो नौकरी में भी कष्ट की स्थिति, उहापोह की स्थिति, डायलेमा की स्थिति 10वें भाव में बनाए हुए हैं। साथ ही उच्चाधिकारियों से अभी आपकी उतनी नहीं बन रही है, उच्चाधिकारियों से अगर फिर भी ठीक है तो जो आपके कनिष्ठ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनमें बड़ा ही आक्रोश आपके प्रति हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां, व्यवसाय में बाधा की स्थिति, पुत्र को कष्ट की स्थिति, अभी जो राहु बैठे हुए हैं जो कि सितंबर तक रहेंगे, ये राहु का नेगेटिव असर अभी दिख रहा है आपके ऊपर। और आगे आने वाले समय में जबकि नवम भाव में राहु वृषभ राशि में जाएंगे, तब निश्चित रूप से आपको प्रवास आपका बढ़ेगा, विवाह की स्थितियां बनेंगी, विवाह आपका कराएंगे, ये विदेश यात्रा कराएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, पत्नी की प्राप्ति या पत्नी की अनुकूलता, जिनका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा सितंबर के बाद। तो सितंबर के बाद राहु केतु का जो गोचर है वो काफ़ी अच्छा फलित लेकर के आपके लिए आ रहा है दोस्तों। मंगल की स्थिति जैसा मैंने बताया कि मीन में जब मंगल रहेंगे जून से लेके लगभग 16 अगस्त तक और फिर 4 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक, ये जो समय है इस समय में आपके 7वें भाव में रहेंगे, जो कि आपको व्यवसाय में लाभ, अनुकूलता, अदालती निर्णयों में सफलता आदि दिला सकते हैं अगर कुंडली में आपकी अच्छे बैठे हुए हैं तो। और अगर कुंडली में बहुत ख़राब स्थिति में मंगल है तो आपको चुनाव वगैरह अगर आप लड़ते हैं तो उसमें आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी में विशेष समस्याएं ये दिला सकते हैं आपको, पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप में विशेष कष्ट की स्थिति बन सकती है, तो इसके लिए आप सावधानी रखेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपकी जो राशि है, इस राशि के लिए, कन्या राशि के लिए गोचर जो है वो विशेष अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए हैं तो अच्छा फल ये जरूर देंगे, लेकिन अगर शनि खराब है तो खराब फल देंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जो पिछला वर्ष आपने निकाला है उससे ये वर्ष बहुत ही बेहतर जाने वाला है। अगर हम 100 के स्केल में लें तो पिछला वर्ष आपका 40% के आसपास सफलतादायक था, आने वाला जो वर्ष है वो निश्चित रूप से 70% तक सफलता तो जरूर देगा, 65-70% आपको सफलता देगा और 30-35% कष्ट की स्थितियां बनाएगा। तो ये हमारी विवेचना है दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको जरूर शेयर करिए, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार,
लोग हैं, आपके स्नेहीजन हैं जो सिंह राशि और कन्या राशि से संबंध रखते हैं, उनको जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी अनुरोध के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए और अगले एपिसोड में हम अगली जो दो राशियां हैं तुला राशि और फिर धनु राशि, इनकी विवेचना करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।